हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सबसे कम प्राइस में राइडिंग जैकेट, जो हमारे नए दोस्त बनते आ रहे हैं। राइडिंग के शौक है इनको, काफ़ी गाली वगैरह उछाते रहते हैं, चोटें वगैरह लग जाती हैं शोल्डर्स पे, घुटनों पे वगैरह। तो उनके लिए सबसे कम बजट में 4000 रुपये के अंदर में आपको राइडिंग जैकेट मिलने वाली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के अंदर। आपको ऑफलाइन कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगी ये जैकेट। तो फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको राइडिंग जैकेट है कैसी है। तो इसको हमने पहली फाड़ लिया, चेक कर रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं है। तो ये ऐसे कवर में आती है, देख सकते हो आप लोग, और इसके बैक पे भी ये बैक आता है। एक्सल मैंने मंगवाई थी इसलिए एक्सल आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग, थोड़ा मोटा हूँ मैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको अवेलेबल है सिर्फ चलते अमेजोन के अंदर, और एक रेड कलर में। रेड कलर मत लेना, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चेस्ट पे भी आपकी कितना सपोर्ट होने वाली है, काफ़ी हैवी माल लगाया गया है इसमें भी। और यहाँ से हम लोग देखते हैं चेन से खोल के, इसे पहनना भी काफ़ी ईजी है। मैं आप लोगों को उस तरफ से आके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, ये बैक से और चेस्ट से दोनों से आपको फुल सपोर्ट मिलने वाली है। अगर राइडिंग आप लोग कर रहे हो स्टार्टिंग, तो देख सकते हो आप काफ़ी लंबे टूर पे जा रहे हो, या फिर कहते गाड़ी वगैरह विली वगैरह मारते हो, स्टॉप ही मारते हो, तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ मारा करा करो तो ज़्यादा सही रहेगा। अपने को आपको भी चोट नहीं लगेगी और अपना शौक भी पूरा हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पर शौक। तो देख सकते हो दोस्तों, ये इसका भी काम करता है, आधे ग्लव्स का। अगर गाड़ी चला रहे हो आप लोग, ठंडी वगैरह लग रही, तो उसको ऐसे पहन सकते हो। और अब मैं आपको कंप्लीट पहन के दिखाता हूँ। काफ़ी मतलब 4000 के अंदर लो बजट में काफ़ी अच्छी राइडिंग जैकेट है, क्योंकि ऑफ रोड मतलब ऑफ मार्केट जो है उसमें 5000-6000 से नॉर्मली स्टार्ट होती है, वो भी जिसमें इतनी सपोर्ट नहीं रहती है। तो देख सकते हो आप लोग, पीछे जो चेस है मतलब ये पीठ का जो है हिस्सा, इसको भी टाइट करने के लिए यहाँ पे ये दो दिए गए हैं। आप जितना चाहे उतना टाइट कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप लोग फुल पे, जहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जितना भी आपको टाइट करना है। बक्खे पे यहाँ पे क्लिप दिए गए हैं चारों तरफ में, बैक पे भी दिए गए हैं, आगे भी दिए गए हैं, इसके लिए टाइट करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ये आप लोग देख सकते हो, चेस आपको अगर ज़्यादा टाइट हो रहा है या लूज़ हो रहा है, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ये काफ़ी टाइट रहता है, ये अपन ने ऐसे खींचा, इसको ऐसे लगा लिया, तो ये चेस अपना टाइट हो जाएगा। मतलब ये जैकेट कहीं पर भी फिर हिलेगी नहीं, आप लोग देख सकते हो फुल रिव्यू में। बैक पे से अगर ये आपको हाथ पे अगर लूज़ पड़ रहा है, तो यहाँ पे सब तरफ में ये दिया गया है, जैसे भी आप कर सकते हो, यहाँ से लूज़ भी कर सकते हो, यहीं से टाइट भी हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको फिट करना है उस पर सेट करो, और वहाँ से फिर इसको ऐसे आसानी से खींच दो। ये देख सकते हो दोस्तों आप लोग, इसमें आपके गिरोगे लगेगी थोड़ी कम लगेगी, बस ये काफ़ी हैवी माल दिया गया है। 4000 में मुझे नहीं लगता, मैंने सारा मार्केट छान के देख लिया कि 4000 में इससे कम रेट में ये जैकेट मिल जाए आपको। राइडिंग जैकेट अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, और इसके ऊपर से अगर आप हेलमेट लगाते हो तो वो भी ऑनलाइन ही खरीद लेना, परचेस कर लेना। बाकी हेवी माल में यही मिलेगा आप लोगों को 5000-6000 के अंदर में। 4000 इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। बाकी अगर आप राइडिंग जैकेट देखने जाते हो, तो 6000-7000-10000-12000 वो तो अपने अपने हिसाब से आती हैं, सारी अलग अलग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बताना कि जैकेट अच्छी है या नहीं है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मिल जाएगी आप लोगों को, तो जाके चेकआउट कर सकते हो अमेज़न के अंदर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइडिंग दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी ऐसी जैकेट लेके अपने शौक पूरे कर सके। क्योंकि अगर बिना राइडिंग जैकेट के आप लोग राइडिंग करते हो और कहीं गिरते हो, तो 2-3 महीने आप लोगों के बेड रेस्ट होने वाला है। इसलिए जैकेट लो, सुकून से करो, कम लगेगी, लगेगी ज़रूर, मगर उसमें और अपने शौक पूरे करो। तो